विल स्टार्ट। हमने अभी तक जो किया था, एक्चुअली हमने अभी तक देखा बेसिक ऑफ द कंस्ट्रक्टर जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, या बेसिक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो भी है उसके बारे में अभी तक हमने थोड़ा बहुत जाना। हमने देखा कि जो सी प्लस प्लस है वो एक नई लैंग्वेज तो नहीं आई, सी के कुछ एडिशन्स हुए, खासकर सी में वो एडिशन्स हुए जिन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट हुए। सी को पहले, सी प्लस प्लस को पहले सी विद क्लास कहा गया, लेटर ऑन द नेम वाज चेंज्ड टू सी प्लस प्लस। एंड बेसिक जो है कंस्टेंट्स ऑफ द लैंग्वेज वो तो हमें, एक तो रिसेंटली हम सी से ओवरटेक कर चुके हैं, तो सी प्लस प्लस तो बेसिक कंस्ट्रक्ट जो है जो कॉमन है सी में और सी प्लस प्लस में, वो तो हमने देखे कि वो जो चीजें हैं कॉमन है, जो नई चीजें आती रहेंगी इन द मीन वाइल वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज एक्चुअली हम डायरेक्टली बाउंस करेंगे तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग कैसे हम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कैसे एक्चुअली हम क्यों करते हैं ये चीज़ें, इसके लिखने का तरीका क्या है। इसमें से हमने पहले ही देखा था कि वी हैव, हमारी जो चीज़ें हमारे पास हम यूज़ करते हैं एक तरीका खास लिखने का, उसमें है हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने नेम स्पेस एसटीडी को थोड़ा डिफाइन किया है कि एक नेम स्पेस है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे मोस्टली जो डेटा है वो हम स्टोर हो जाए। और वी हैव दिस इंक्लूड हेडर फाइल हियर आईओ स्ट्रीम। तो पुराने वाले कंपाइलर्स में हमें डॉट एच देना पड़ता था, अब नए कंपाइलर्स में एक्सक्लूड किया है, वी डोंट नीड डॉट एच, हमें बस इंक्लूड करना होता है इसे। एंड रिमेन वाली जो फंक्शन है वैसे ही चलती है, वी हैव टू डू इट लाइक दिस इंट मीन एंड देन द लास्ट रिटर्न जीरो, वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा। तो आज एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है यूजिंग ऑब्जेक्ट, यूजिंग क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्लास ऐसे, फिर क्लास का नाम सपोज स्टूडेंट। ठीक है, तो एक क्लास मैंने बनाया, क्लास क्लास लिखा सीधे क्लास, फिर क्लास का नाम जो भी क्लास का आपको नाम रखना है, मैंने इस क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। ठीक है, फिर एक ब्लॉक बन जाता तो मुझे इसको ऐसे ब्लॉक में इसको बनाता हूँ। ठीक है, और ब्लॉक बनाने के बाद इसको मैं ऐसे टर्मिनेट करता हूँ। ठीक है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर एक बनाया होगा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी हम क्लास एक बनाते हैं। अब क्लास में काफ़ी नई चीज़ें भी है, काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हैं, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास क्रिएट लिखा क्लास, फिर एक क्लास का नाम दिया, क्लास का नाम जो है स्टूडेंट। तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे, अब ये जो हमें देखना है कि ये एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हमारे पास ये जो क्लास है दिस इज एक्चुअली ए कीवर्ड, ये कीवर्ड है, कीवर्ड टू क्रिएट ए क्लास। और ये जो स्टूडेंट मैंने दे दिया स्टूडेंट, ये हम एक इसमें मैंने एक लिटरल दे दिया, इसका नाम एक रखा नेम, नेम ऑफ द क्लास। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपको जिस टाइप का बनाना हो, क्लास स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, किसी प्रोजेक्ट का, आप वैसा नाम अकॉर्डिंगली हम नाम रखते हैं। लेकिन जरूरी है कि ये नाम जो है ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और इसमें नाम में जैसे सी में है कि पहला वर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, वो बाकी जो स्पेस नहीं हो सकती, वो चीज़ें जो है जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। नेम ऑफ द कीवर्ड, कीवर्ड जो है हम यहाँ पे कीवर्ड है क्लास, सुनाल में ही लिखते हैं सारा क्लास, ये बिल्कुल जैसे हम कीवर्ड्स यूज करते थे इससे पहले, इसमें भी एक कीवर्ड, ये एक नया कीवर्ड है प्लस सी प्लस, उसमें इसको हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने बस एक क्लास लिखा, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, एंड इसको हमने एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक को हमने एट द एंड टर्मिनेट किया। अभी तक हमने इतना ही किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि
अब ये क्लास एक है तो एक टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्टूडेंट जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, सपोज स्टूडेंट में एक चीज दूंगा रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, सपोज रोल नंबर 10 वगैरह वो नहीं कर सकते, क्यों, हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, इसका एक स्केच बना रहे हैं कि इसका डिजाइन कैसा होगा, इसमें कैसी चीजें होंगी, तो यहाँ पे डेटा नहीं। देन आई कैन हैव सपोज लाइक दिस कैर नेम 50, मैंने कैरेक्टर टाइप की एक एरे बनाई, ठीक है, और कैरेक्टर टाइप की जो एरे है उसमें मैंने नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स है वो 50 हो सकते हैं, इट डिपेंड्स जो आपको रखना है। फिलहाल मैंने ऐसा, सपोज मैं फिलहाल ये दो चीजें रखूंगा, मैं दो ही चीज रखूंगा फिलहाल के लिए। तो मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट के नाम से, उसमें मैंने दो वेरिएबल, दो डेटा या दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर एक्चुअली उसको बोलते हैं। अगर आपको पहले जो हमने किया था वो जो चीजें हमने बोला थी कि हमारे जो क्लास है उसमें हमें होती है प्रॉपर्टीज, तो एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका और भी बहुत सारी चीजें, उसका ब्रांच, उसके वो कौन सी ब्रांच का है, कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज दिखाई, एक तो है रोल नंबर और इंटीजर टाइप, एंड दूसरा है कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर एरे जो एक है इसका नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम मानेंगे इसकी जो है दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसका जो स्टूडेंट में डेटा जो है वो दो चीजें हैं, ठीक। तो मैंने ऐसे लिखा, देखो अब अगर सपोज मुझे इस क्लास को यूज करना है, मुझे इस स्टूडेंट को यूज करना है, तो मैं कहीं भी आ जाता हूँ, सपोज मैं अपने मेन वाली फंक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट और सपोज मैं कोई std1, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब, या मैं यहां पे लिख सकता हूं सपोज नदीम स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट एक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये सारी होंगी, वो ऐसी होंगी। अब इसका नाम मैंने रखा नदीम, तो इसका मतलब मैंने एक स्टूडेंट, अभी एक स्टूडेंट था तो, लेकिन या एक बेटर वे में हम कह सकते हैं सपोज क्लास IG3, मैंने क्लास का नाम रखा IG3, तो मैंने यहाँ पे किया IG3 में एक स्टूडेंट मैंने बना दिया नदीम। तो नाउ एक नदीम एक स्टूडेंट बन गया है, अभी तक ये खाली IG3 जो था ये एक डिजाइन एक था, एक डिजाइन की तरह था कि इसमें क्या क्या हो सकता है, अभी तक कुछ बना नहीं था। जब मैंने ये किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है, तो ये नदीम जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, किस क्लास का, IG3 का। तो IG3 हमने एक क्लास बनाया, उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ में से हर एक की प्रॉपर्टी जो होंगी वो रोल नंबर होगा, ओवरसली नेम भी होगा, ओवरसली बाकी सारी चीजें, एड्रेस, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीजें होंगी। तो हमने फिलहाल के लिए इसको छोटा करके दो ही चीजें दिखाई। तो जब मैंने बोला IG3 तो इसका मतलब एक चीज है IG3। अब IG3 में जब मैं क्रिएट करता हूं, मैंने इस क्लास का नाम लिखा, फिर मैंने एक और चीज, एक और लिटरल दे दिया, एक नाम दिया सपोज नदीम। तो नदीम अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, नदीम अब एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का। तो नदीम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इस टाइप, यानी नदीम का नाम होगा, नदीम का रोल नंबर होगा, और अगर बाकी चीजें हम इसके साथ ऐड करें वो भी होगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास में दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वेरिएबल्स फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं, उसमें डेटा जो है दो तरफ का वेरिएबल्स है, हम इसको बोलेंगे, इसको बाद में मेंबर्स बोलते हैं। तो क्या मेंबर्स होते हैं, मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो फिलहाल ये वो हम बाद में वो टर्म्स
यूज करेंगे। फिलहाल हम बोलेंगे दो प्रॉपर्टीज है इस थर्ड आई जी थर्ड की। प्रॉपर्टी नंबर वन इज रोल नंबर इंटीजर है, एंड प्रॉपर्टी नंबर टू इज नेम जो एक कैरेक्टर टाइप अरे है। एंड इन द मेन फंक्शन, अपने मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने लिखा। अब ये देखो, ये मैंने जो जो क्लास है, ये जो ओआरआर क्लास जो मैंने बनाया, ये ग्लोबल है। देखो मैंने ये अपनी मेन फंक्शन से बाहर रखा, इसका मतलब मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। इन द मेन फंक्शन एज वेल, मैं अपने मेन फंक्शन में भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने पहले इस क्लास का नाम लिखना होता है, आई जी थर्ड ये लिखा, स्पेस डाल के जो ऑब्जेक्ट का आपको नाम रखना है। सपोज जहाँ मैं एस टी डी वन भी, स्टूडेंट वन भी रखता हूँ, स्टूडेंट भी रख सकता हूँ या कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे एक नाम रखा नदीम, वट एवर इट, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने एक स्टूडेंट एक नदीम बना दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस नदीम को ये प्रॉपर्टी असाइन करना चाहता हूँ। सपोज इसका रोल नंबर रखना चाहता हूँ, ये अभी तक तो मुझे ऐसा हो गया, मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का आई जी थर्ड का एक क्लास बन गया। अब इस एक क्लास है, अब इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा नदीम, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक खाली बॉक्स है, अभी इसमें अभी कुछ नहीं है, बन गया लेकिन मेमोरी इसने ले ली। जो ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसकी मेमोरी आ गई। अब ये नदीम ही है, ये नदीम जो बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पे, ये नदीम, ठीक है। तो अभी हम उस तरफ आए, फिलहाल ये समझो कि देखो अभी तक क्या है, अभी तक हमारे पास है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया क्लास, अब इसका नाम क्लास है, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब आज बनो एक बॉक्स, इस बॉक्स में क्या हो सकता है, वी कैन हैव अ रोल नंबर, ठीक है, हमें एक रोल नंबर हो सकता है, सपोज इज अ रोल नंबर, ठीक है। अभी इसमें गार्बेज वैल्यू है, एंड वी कैन हैव कैरेक्टर नेम, ठीक है। अब इस नदी में दो चीजें हो सकती है, ये मैंने इसमें जो ये बनाया, इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें रोल नंबर है और उसमें नेम है। अभी इसने मेमोरी, जब मैंने ये लिखा, जब मैंने ये लिखा ये, और ये जब एग्जीक्यूट होगा, जब मैंने ये लिखा, इसका मतलब मैंने इसको एक मेमोरी दे दी, असाइन कर दिया। अभी तक कोई मेमोरी नहीं हुई थी। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ, सपोज अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब कोई मेमोरी असाइन नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो मैंने ये लिखा है, ये मेमोरी अभी असाइन नहीं हुई है, कोई मेमोरी अभी, ये खाली स्ट्रक्चर है, ये खाली। अब वो जैसे नक्शा होता है हाथ में हमारे पास, अभी मकान बना नहीं है, ठीक है। अब जब जो ही मैं क्या करता हूँ, जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई जी थर्ड नदीम, जो ही मैंने ये लिखा, जब ये एग्जीक्यूट एक्चुअली हुआ, अब मैं एग्जीक्यूट की बात, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो जब उसे ये सिस्टम, ये एक लाइन मिली, इसने क्या किया, इसने इसकी एक मेमोरी असाइन कर दी। यानी अब जाके ऐसा एक मकान बन गया, अभी तक तो ये खाली नक्शा था, ये अभी तक खाली नक्शा था, लेकिन जब मैंने ये लिखा, ये चीज लिखी, इससे क्या हो गया, इससे ये चीज हो गई कि ये एक नया सा बन गया, ठीक है, ये एक इसकी एक मेमोरी असाइन हो गई। तो इसी के साथ जब भी जब हम ये लिखते हैं तो मेमोरी असाइन हो जाती है, ठीक है, ये समझ आए ये चीज? यस सर, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्चुअली देखेंगे कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि जैसे नहीं होता है, कुछ चीजें इसमें नहीं होती है, लाइक जैसे हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर में मैंने इस नदीम ऐसे लिखता था, या वहां पे एक ऐसा तरीका भी था, तो यहाँ पे ऐसा तरीका डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पे डेटा हाइडिंग का सारा कंसेप्ट आ जाएगा अभी दो मिनट में। अब मैंने सपोज का डॉट रोल में मैं चाहता हूँ इसका रोल नंबर में सपोज 19210, सपोज मैं इसका ये रोल नंबर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये रोल नंबर देना चाहता हूँ, मैंने इसका यानी लिखा ये ऑब्जेक्ट जो है डॉट रोल नंबर, यानी उसके रोल नंबर पार्ट में आप क्या करो काम, आप ये वैल्यू दे दो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ, इट विल गिव मी एन एरर, एंड दैट एरर इज हियर, इज दैट एरर, ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो आप यूज कर रहे हो ये रोल नंबर इज प्राइवेट, ये प्राइवेट है यहाँ पे, ये जो आप यूज करना चाहते हो, ये रोल नंबर जो आप यूज करना चाहते हो
ये आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब मैंने आपको बोला था, इसमें एक डेटा हाइडिंग होती है बाय डिफॉल्ट। याद रखना ये चीज, याद रखना बाय डिफॉल्ट आप जो भी इसमें डेटा लिखोगे इसमें वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब उसे इस क्लास के बाहर यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं इस रोल नंबर जो है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, मैं इसको इस क्लास के बाहर यूज करना चाहता था, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है आप इसको यूज ही नहीं कर सकते, ये कंपाइल ही नहीं होगा, ये प्राइवेट है। अब वो डेटा हाइडिंग यहीं पे आ गया, मैंने डेटा को हाइड किया, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस रोल नंबर के साथ कोई छेड़खानी ना करे मेरे मेरे कोड के बगैर, यानी क्लास के कोड के बगैर इसको कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है। अब अगर मुझे ये यूज करना है तो आई हैव समथिंग हियर कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर, आई यूज दिस थिंग पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ये होता है प्राइवेट। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, सपोज ऐसे लिख भी दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ये चीजें प्राइवेट ही है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ लेकिन पब्लिक, इसका मतलब जो पब्लिक स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसके नीचे जो भी चीजें आ रही है वो पब्लिकली व्यू है, दैट आर व्यूड पब्लिकली, वो पब्लिकली व्यू हो सकती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मैंने पब्लिक लिखा, सपोज मैं यहाँ पे दो फंक्शन, जनरली हम यही नाम रखते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं लिखता हूँ void set data। अब इसको हम बोलते हैं मोस्टली इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेटर एंड गेटर। सेटर क्या करता है, ये आप कोई भी नाम रख सकते हो बट लेकिन मोस्टली हम यही नाम रखते हैं। तो सेटर क्या करता है, सेट करता है डेटा के वैल्यूज को, जो डेटा हमारे पास है, जो हमारे पास ये रोल नंबर और नेम है, इसके इसमें कुछ वैल्यू पर असाइन करता है। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ आर एल रोल नंबर इज इक्वल टू सपोज 19210, ठीक है, एंड देन नेम इज इक्वल टू, मैंने ये दो चीजें यहाँ पे की, मैंने सेट किया वैल्यू 19 रोल नंबर का भी वैल्यू और इसका, और मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐसे, देखो ऐसे, अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करना चाहूँ इट विल गिव मी एन एरर। नहीं, यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, यहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑब्वियसली ये क्योंकि एक और चीज भी है, यहाँ पे मैंने नेम को सीधे यहाँ पे कर दिया, एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे स्ट्रिंग कॉपी करनी चाहिए, तो बस मैं जस्ट इसको ऐसे कर रहा हूँ, या अगर हम इसको ऐसे भी बता दें कि फिलहाल के लिए मैं नेम को हटा देता हूँ, मैं खाली रोल नंबर रख लेता हूँ, क्योंकि हमें क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग फंक्शन को हमें यूज करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, वी कैन यूज इट लेटर ऑन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेट फंक्शन में, सेट डेटा पे मैंने कोई भी नाम रख सकते हो, कोई भी वैलिड नाम, लेकिन हम सेट रखते हैं ज्यादातर, सेटर और गेटर हमें बोलते हैं, ताकि हम डेटा को, तो मैंने इसको रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर दे दिया मैंने इसको, ये ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, तो मैंने इसको रोल नंबर दे दिया, ठीक है। अब एक और फंक्शन में यूज कर सकता हूँ void get data, इसको गेटर बोलते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो, show run रख सकते, कुछ भी नाम रख सकते, हार्डली मैटर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ see out roll number, यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको int सिंपलिटी के लिए int एज रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ जैसे हमने कल सीखा भी था, वी कैन से रोल नंबर इज इक्वल दिस एंड सी आउट एज इज इक्वल एज, जो भी हम इसका, ठीक है। तो ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शन, ये बस समझने की जरूरत है, दो फंक्शन बना दी,
एक फंक्शन का नाम मैंने रखा सेट, ये वाइड वाइड है यानी ये रिटर्न कुछ नहीं करेगी, ये बस डिस्प्ले करता है, ये बस सेट करता है। और रोल नंबर में मैंने इसमें अभी सीधे से हार्ड कोड दे दिया, यहाँ से ही दे दिया। बाद में हम देखेंगे कि कैसे इसको किसी और जगह से सेट किया जाए, या सीन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे सीन भी किया जा सकता है। फिलहाल मैंने बस देख लिया इसको ऐसे ही, इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू एक दे दिया और एज को भी वैल्यू दे दिया। और मेरे पास एक और फंक्शन है गेट डेटा, वो क्या करते हैं, रोल नंबर में रोल नंबर प्रिंट कराता और एज प्रिंट कराता। अब मैंने यहाँ मैं अपने मेन फंक्शन पे आ जाऊँ, अब लेकिन ये याद रखना ये पब्लिक में लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंट अपने नदीम जो मैंने बनाया था, अब मैं लिखूंगा नदीम डॉट सेट डेटा। तो इसको सेट करो पहले, ठीक है, ठीक है, मैं नदीम डॉट सेट लिखा, फिर मैं लिखता हूं नदीम डॉट गेट डेटा। ये दोनों चीजें क्या क्या कर रहे हैं, पहली वाली फंक्शन जो है नदीम डॉट सेट डेटा, ये मैंने ऐसे लिखा, ये जो है तो ये क्या कर रही है ये वाली फंक्शन, असल में यहां पे क्या हो रहा है, जब ये ऐसे लिख रहा है तो इस वाली फंक्शन को कॉल जा रहा है, ठीक है। जब इस वाली फंक्शन को कॉल जाएगा, रोल नंबर में 19210 जाएगा और एज में 20 जाएगा, ठीक है। तो हो गया ये। अब जब मैंने इस वाली फंक्शन को कॉल की, ये वाली फंक्शन, ये स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे नदीम डॉट गेट डेटा, तो गेट डेटा को कॉल जाएगा, ये रिजल्ट वापस शो में शो करेगा। तो अब हम देखेंगे क्या ये चीजें रन होती है कि नहीं, हम इसको सेव करेंगे और हम इसको एक बार देखेंगे क्या ये चीजें रन होगी कि नहीं। विल कंपाइल एंड रन एंड इट गॉट, ये रन हो गया। यहाँ पर आप स्क्रीन में हमें दिख रहा है सीधे कि ये हमें दो चीजें दिखा रहा है, एक तो नदीम का रोल नंबर एंड उसकी एज, जो हमने ऑब्वियसली यही से सेट की थी, हमने खुद ही दे दिया था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी स्टैटिक है, सीरियस स्टैटिक डेटा है, हम यही से दे रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज भी हो सकती है, अब यहाँ पे चीज समझने की है बात, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया नदीम, अब मैं दूसरी जगह एक और भी बना सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी एक और क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हम इंटीजर का क्रिएट करते थे, हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे इंट ए कामा बी कामा सी, जितने भी हमें चाहिए होते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, सपोज नदीम स्पेस असलम स्पेस जहूर ए कॉमा करके, तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमें क्या है क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक चीज, सपोज मैंने क्या किया, मैंने अभी तक जो मैंने जहूर का एक जहूर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं उससे कॉल करता हूँ गेट डेटा को, यानी मुझे दिखाओ जहूर का वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं फिलहाल नदीम का गेट डेटा, ये जो फंक्शन है, ये जो चीज है, मैं इनको बंद करता हूँ, कमेंट करता हूँ, तो नदीम का गेट डेटा, मैं बोलूँ नदीम के जो मैंने आपको बनाया ऑब्जेक्ट उसका डेटा दो मुझे, वहां पे क्या डेटा है। कंपाइल और रन, मुझे बोल रहा है रोल नंबर 1 A 0, अब मैंने तो दिया ही नहीं नजीम का कहीं, तो इसका ये मतलब ये है कि मुझे गार्बेज वैल्यू आ रहा है। अगर मैं नदीम की डिटेल जो है अनहाइड कर दूं, ठीक है, नदीम की डिटेल अनहाइड कर दूं, ठीक है, तो फिर मैं देखूं उसके बाद फिर क्या हो रहा है। कंपाइल एंड रन, मुझे पहले यहाँ पे दो चीजें आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है, ये मुझे दो चीजें आ रही है, पहला मुझे बोल रहा है रोल नंबर है इसका 19210, वो तो नदीम का है क्योंकि पहले कॉल जो है नदीम की जा रही है गेट डेटा की, ठीक है, नदीम का, और उसके उसकी एज 20, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं असल में यहाँ पे जूर का भी कॉल कर रहा था गेट डेटा, उसका ये आ रहा है रोल नंबर इज 1 एंड एज इज 0, यानी वो जो डेटा है वो कोई डमी डेटा है। क्यों डमी डेटा है, क्योंकि मैंने जूर का सेट डेटा नहीं किया है, मैंने इसका डेटा कुछ सेट ही नहीं किया है। जब इसका डेटा कुछ सेट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका डेटा जो गेट में करूंगा वो कोई डमी वैल्यू होगा या कुछ भी वैल्यू हो जो उस मेमोरी लोकेशन पे होगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ जहूर डॉट
सेट डेटा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये दो चीजें कैसे चलती हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको सी आउट करके स्पेस देता हूं ताकि हमें थोड़ा सी नीचे आ जाए डेटा। तो अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो यहां पे मुझे दो चीजें मिली, एक तो मुझे पहला मिला रोल नंबर 19210 और एज 20, लेकिन दूसरे में भी मुझे वही मिला रोल नंबर 192180। ठीक है, यानी दोनों में मुझे रिजल्ट भी, इससे पहले क्या होता था, दूसरे वाले रिजल्ट में मुझे मिल रहा था डेटा समथिंग लाइक 1 and 0 रोल नंबर एज में, ये जो जूर का डेटा मैं दिखा रहा था, लेकिन इस वाले में क्या मिल रहा है, मुझे दोनों में एक ही डेटा मिल रहा है। ऑब्वियसली मुझे दोनों में एक ही डेटा मिलेगा क्योंकि मैंने जो सेट वाली कॉल की है वो अलग अलग, वो उसमें डेटा एक ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, अब मैं एक सिंपल ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी आउट इंटर रोल नंबर, मैं फिर सी इन कर सकता हूं रोल नंबर एंड देन आई कैन डू सी आउट इंटर एज एंड देन आई कैन डू सी इन। अब ये स्टैटिक डेटा नहीं रहा, अब ये स्टैटिक डेटा नहीं रहा, अब एक अलग डेटा है। ठीक है, अब मैं, लेकिन यहाँ पे एक बार एक चीज है समझने की जरूरत, जो है एक चीज जरूरी समझने की है, यहाँ पर, यहाँ पे जब मैं ये तीन लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ये तीन लिख रहा हूं, तीन चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, बस समझने की बहुत जरूरी है ये बात, यहाँ पे तीन बॉक्स एक्चुअली बन गए, एक नदीम के नाम से उसमें रोल नंबर और एज आ गया, अब दूसरा इस्लाम के नाम पे उसका ये आ गया, और तीसरा बॉक्स एक और बन गया जहूर के नाम से। ठीक है, उसमें जो अपनी दो वेरिएबल्स आ गई। ठीक है, यानी जब हम int a b और c बनाते हैं तो वो तीन वेरिएबल्स होते हैं, उनकी अपनी अलग 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 मेमोरी लोकेशन होती है, बिल्कुल वो ही यहाँ पे हो रहा है। ये सपोज ये नदीम, ठीक है, ये नदीम का है एंड दिस इज इस्लाम एंड दिस इज हेयर। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप ये देखो जरा, ये तीन चीजें जब मैंने की, ये इससे बिल्कुल रिलेट है इस चीज से कि जब मैंने ये चीजें लिखी तो ये नदीम के लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा है, इस्लाम के लिए अलग क्रिएट लोकेशन कर रहा है, और जहूर के लिए अलग। यानी ये तीन अब एक नहीं है, हाँ इनका इनका जो क्लास है वो एक ही जैसा है, यानी जो भी आप अपने क्लास में थर्ड सम में हो सबके सब्जेक्ट एक ही हैं, ऑब्वियसली सबके सब्जेक्ट एक ही है, सबका नाम प्रॉपर्टीज में है, सब्जेक्ट्स आपका बैच तीनों का एक ही है। सपोज आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो एक सेमेस्टर में, सारे स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप सारे जो अभी एक सेमेस्टर में हो, एक डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट में के एक सेमेस्टर में हो, तो आपका स्ट्रक्चर जो है एक ही है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आप सबको एक ही कोर्स में एक ही टॉप टीचर के पास पढ़ना है, ऑब्वियसली क्योंकि आप एक ही सेमेस्टर में हो, तो आप सारे जो है इंटर रिलेटेड हो, आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं क्लास, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं क्लास, जो कि मैंने ऐसा दिखाया अभी तक कि हमने दिखाया कि हमारे पास जो है क्लास जो है वो ऐसा है, ऐसे क्लास है। ठीक है, और अब देखो क्लास और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, यहाँ पे क्लियर है, स्ट्रक्चर में हम खाली दिखा सकते कि उस पर उसका डेटा कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, ना कि उस पर कौन सी फंक्शन काम करेंगी। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन दिखा दिए, एक सेट डेटा एक गेट डेटा। इन दो फंक्शंस के बगैर ये याद रखना है, इस डेटा पे, इस क्लास के आईजी थर्ड के क्लास के डेटा पे कोई और
फंक्शन काम नहीं कर सकती। हाँ कुछ तरीके हैं हमें जिनको हम फ्रेंड वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो आगे जाकर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जो चीजें यहाँ पे लिखी है यानी यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास डेटा है ना, इस क्लास में और डेटा ऐड हो सकता है जब तक मैं ना करूं, ना इस क्लास के इस डेटा पे इस प्रॉपर्टीज पे इन दो फंक्शंस के बगैर और कुछ हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्लास के बाहर कहीं पर भी, चाहे वो मेन फंक्शन हो कहीं भी हो, मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड शो के नाम में, देखो मैंने ये क्लास के बाहर बना दी वाइड शो। अब मैं यहाँ पे सी आउट करना चाहूंगा रोल नंबर, ठीक है, क्या ये कर सकता हूं मैं? अब मैं किसी को भी कॉल करता हूं, सपोज नदीम डॉट शो, ठीक है, मैंने ये भी तो एक बनाई थी, मैंने ये भी एक शो भी तो एक बनाई थी, ये क्या कर रहा था? ये रोल नंबर आउटपुट कर रहा था और मैंने इसको कॉल किया, तो मैं अगर इसको सेव करके देखूं क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है ये तो है ही नहीं मेंबर इसका, यानी ये जो शो आप फंक्शन बना रहे हो, आपने जो ये शो फंक्शन बनाई ये मेंबर ही नहीं है, मेंबर का मतलब ये इसका एक पार्ट ही नहीं है, मेंबर डेटा होता है और मेंबर फंक्शन होती है, हमें दो चीजें। अब ये जो है ये क्लास, इसमें ये मेंबर है, ये डेटा मेंबर्स है इसके, इसका डेटा है ये, और ये इसकी मेंबर फंक्शंस है, इसकी फंक्शंस है, दो फंक्शंस है हमारे पास अभी के लिए, हमने दो फंक्शंस बनाई है, तो ये दो फंक्शन, इसका मतलब इन दो फंक्शंस के बगैर इस डेटा पे और कोई चीज काम नहीं कर सकती। तो ये चीज आता है, इसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है, हाइड किया हमने डेटा और हमने बताया नहीं, हमने जब बाहर दिखाया मेन में दिखाया इसमें, इसको बोला एक सेट डेटा है, वो सेट करेगा डेटा, एक गेट डेटा है वो आपको गेट डेटा लेके देगा कि डेटा में क्या वैल्यूज है, यानी वो चीजें बन जाती है हमारे पास, हमने ये भी बोल सकते हैं कि ये चीजें बन जाती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, कि हम ये बताते नहीं है इसको सेट कैसे काम करता है, वो तो क्लास में हम बताते हैं। और ये एक चीज है यहाँ पे कि मैंने डेटा को हाइड किया, ठीक है, मैंने प्राइवेट रखा, ये जो प्राइवेट हो गया ये किसी को एक्सेस ही नहीं हुआ, हाँ पब्लिक क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है, देखो मैंने पब्लिक यहाँ पर एक्सेस किया, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक इंटरनली इस अपने प्राइवेट जो इसका डेटा उसको एक्सेस कर सकता है, ये हम चीजें बाद में भी समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल ये चीज समझने की है कि पहले तो हमने एनकैप्सुलेट किया, एनकैप्सुलेट किया, एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आया। एनकैप्सुलेशन क्या बताता है? हम एक क्लास बनाते, देखो मैंने एक क्लास बनाया, इसी क्लास में मेरा डेटा भी है और इसी क्लास में मेरी फंक्शन भी है जो इस डेटा पे काम करेगी, इस डेटा के एक्स्ट्रा इस क्लास को मैं ऐड नहीं कर सकता कोई डेटा, ना इन फंक्शंस के एक्स्ट्रा कोई काम होगा, तो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, मैंने एनकैप्सुलेट किया डेटा और फंक्शंस को बाइंड किया, मैंने बताया इस डेटा पे खाली ये दो फंक्शंस काम करेंगी, दैट इज बाइंडिंग ऑफ डेटा टू इट्स स्पेसिफिक ऑपरेशन, इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअली आज बेसिक था। अब यहाँ पे ये भी कंसेप्ट आता है कि कोई बोले ये तो सिंपल चीज है, मैं तो ये कर सकता था किसी और तरीके से भी, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम्स बड़े होते हैं और हम और ज्यादा डीप जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या क्या फायदे और हैं, एक यहाँ पे सिंपल फायदा हमें पता चला कि अगर आप ये क्लास बनाओगे, आप जो फंक्शन इसमें रखोगे वही फंक्शन होगी, कोई और फंक्शन होंगी ही नहीं, यानी हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमारे हमने जो कोड बनाया उस पर कुछ इश्यूज होंगे, यानी आप सपोज आपका रिजल्ट होता है वो एक क्लास का रिजल्ट, अलग क्लास का रिजल्ट, एक फंक्शन होती है, उसमें जो कोड लिखा गया है, जो व्यू कर रहा है, व्यू यूज कर रहा है, उस रिजल्ट यूज कर रहा है, वो उसको छेड़ ही नहीं सकता, वो उसको बस यूज कर सकता है, उस पे उस कोड को खराब नहीं कर सकता। तो ये चीज है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी आ जाती है, डेटा हाइडिंग की भी आती है। तो ये जो है बेसिक, आज का जो प्रोग्राम है बेसिक अबाउट हाउ वी एक्चुअली डू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, कैसे करते हैं हम, क्लास लिखते हैं, क्लास कीवर्ड है, फिर एक नाम देते हैं उसका जो कि एक ठीक ठाक नाम हो, जो भी हमारे बेसिक थिंग्स है नाम कैसे रखना हो, देन वी कैन राइट दिस लाइक पब्लिक एंड हैव सम फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस जो फंक्शंस इस डेटा पे काम कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गेट द डेटा एंड सेट द डेटा, वी कॉल देम सेटर एंड गेटर,
हम इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं लेकिन यूजुअली यही नाम यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स अपनी फंक्शन पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर पाती है। देखिए यहाँ पे हमने उसको पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर पाया, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने लिखा था कि ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ अपनी ही क्लास को के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इसमें थोड़ी सी चेंज की थी, ये सी इन कराया था यहाँ पे, तो कैन कंपाइल एंड रन इट। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 मिनट के लिए कि कैसे ये चीजें काम करेंगी। तो ये रोल नंबर हमसे मांग रहा है 19210, एज मांग रहा है 22, रोल नंबर इज 19210 एंड एज 22, ये जो पहला है। फिर दूसरे के लिए मांग रहा है फिर से रोल नंबर 19221 एज 21, तो दूसरे की रोल नंबर और एज दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, how we can actually do the basic things in object oriented